हेलो गाइस, तो आज हम लेके आए ऑल न्यू EV6। ये गाड़ी के दो वेरिएंट है, कलर वेरिएंट में बोलो तो ब्लैक एंड व्हाइट। अभी और कलर वेरिएंट आ रहे हैं इसके, अभी फिलहाल में दो कलर है ब्लैक एंड व्हाइट। जस्ट अभी ये गाड़ी आई है, इसकी टोटल रेंज होती है 541 किलोमीटर फुल चार्ज। यानी गाड़ी का रेंज इतनी, स्पीड भी 238 किलोमीटर पर आवर की है। इसका गाड़ी का पहले आपको आउटलुक दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको इसका इनसाइड भी दिखा दूंगा। इसका ओवरऑल आउटलुक है, बैक साइड से भी इसको टेल लैंप ऐसे दिए, शार्प शेप में दिए हुए टेल लैंप इसके। पीछे साइड से तो आपको ऑडी की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें से ऐसा फील आएगा, तो कर्व वगैरह भी एकदम फील है। अन्य आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आप बोलेंगे 700 में पहले आया, बट इसमें पहले आया था, ये 700 का इससे पहले आया था। फिलहाल मैं आपको उसका इंटीरियर दिखा देता हूँ, फुल मैट फिनिश इंटीरियर है इसका। तो गाइस, इसके डोर्स होते हैं सेम जो राइट साइड में होता है पावर विंडो बटन, सेम राइट साइड में हर गाड़ी में आप ली इंडियन व्हीकल में। और इसका आपको सीट वेंटिलेशन जो सेटिंग होती है वो आपको इधर मिल जाती है, जस्ट लाइक दैट। ये 1 एंड 2 जो भी हम लोग अभी फिलहाल में भी गाड़ी आई थी इसका काम कर रहे थे। ओ भाई साहब, ये गाड़ी की कैपेसिटी, बैटरी कैपेसिटी 97% अभी फुल्ली चार्जड है। अभी गाड़ी चल के आई है, अभी रेंज दिखा रही है 340 किलोमीटर पर आवर। क्लस्टर भी आपको ऐसा मिल रहा है, सिनेमैटिक क्लस्टर मिलता है। सीट एडजस्टमेंट का आपको मैंने पहले बता दिया था कि वो इधर होता है, जस्ट लाइक देखो। हाँ भाई, इसमें जो फील आती है ना वो सेम आती है। सीट एडजस्टमेंट अभी आपको मैं पीछे लेके दिखाता हूँ थोड़ा। इसके साउंड आपको मिलते हैं सोनी नेम एंड आपकी सबसे स्पेशल चीज़ इसकी जो की होती है, इसको आपको साइड में देखेंगे तो साइड में कुछ भी बटन वगैरह नहीं मिलेंगे, बट एक्चुअली इसके बटन इधर होते हैं। इसके बटन होते हैं लॉक अनलॉक। अभी गाड़ी इसका गियर शिफ्टर आपको देखना होगा तो देख सकते हैं। एक्चुअली हमारी गाड़ी अभी पी में है, शिफ्ट करने के बाद आर पे आएंगी, फिर न्यूट्रल करना पड़ेगा, फिर डी में जाएंगे गाड़ी। गाड़ी का स्टार्ट बटन इधर से होता है, यानी अपने डिस्प्ले रेडियो चैनल ऐसा होता है एंड पावर बटन। और सबसे खतरनाक चीज़ इसका जो सनरूफ ऑपरेशन है, आपको ये पर्दा काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंगल चार्ज में पर्दा निकल जाता है। और इसका जो सनरूफ होता है देख सकते हो आप, आपको बाहर से भी दिखाता हूँ। हाफ बॉडी सनरूफ है इसका, आप और ले सकते हो उसको पीछे, बट और नहीं जाएंगे, इतना ही जाता है। हाफ बॉडी सनरूफ है। आपको मैं पैसेंजर सीट से भी बैठ के दिखाता हूँ, पीछे साइड से, बैक साइड की पैसेंजर सीट से। बूट स्पेस इसका माशाल्लाह, हमारे एक साथी बैठ के भी आपको दिखा सकता हूँ कि बूट स्पेस कितना है। देखिए आराम से बैठने के बाद भी 5 इंच 5 फिंगर का गैप है, आराम से बैठने के बाद एकदम आराम से लग्जरी टाइप है। बैक साइड में भी आने, इसके जो रूफ लैम्प बल्ब होते हैं उसको सिर्फ टच करने की जरूरत पड़ती है। फ्रंट में हो, ये आपको दिखाता हूँ, रूफ लैम्प जो बल्ब है ये भी हम हमारे सनरूफ आगे लेंगे। और इसको टच भी नहीं किया मैंने, सेंसर है जस्ट लाइक दैट, सेंसर टाइप है। फीचर में बोले तो ये गाड़ी का जो रेडियो है आप देख सकते हैं। मैंने कल ज्योति को देखा था हमारे सर के केबिन के पास, मेरिडियन वॉल्यूम से, पता नहीं वो वहाँ क्या कर रही थी। ज्योति ने कहा झूठ, मैं तो 6 बजे ही निकल गई थी, विष्णु सर आज आने वाले थे जापान से तो मुझे आज ओवरटाइम करने बोला था, मैं तो कल जल्दी चली गई थी। इसका तो सीट एडजस्टमेंट होता है, ज्योति को 6 बजे निकलते हुए देखा था सर, पर पुष्पक
अभी इसके बारे में ज्यादा मतलब नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें मूड लैंप जो होते हैं एक्चुअली इधर मूड लैंप यहीं पे और पूरे ग्रिल में आप देख सकते हो, ग्रिल बोल रहा हूँ, आपको पूरे डैशबोर्ड में मूड लैंप देखना पड़ेंगे। इसकी जो मैट फिनिश है वो मैट फिनिश है, दो कलर में आती है, एक ग्रे एंड व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट में एक आती है जो मैट फिनिश होती है डैशबोर्ड के ऊपर। आपको एकदम रियलिस्टिक फील होगा, आपको ऐसा लगेगा गाड़ी चल रही नहीं है बट गाड़ी एक्चुअली चल रही है। जो आपको देखेगा आपको पीछे बैक सीट में भी एयर वेंटिलेशन मिलेगा, सीट में भी आपको एयर वेंटिलेशन मिलेगा। एंड इसकी जो सनरूफ है वो पैनोरामिक ब्लैक मिलेगी, ये जो सनरूफ है उसको पैनोरामिक ब्लैक मिलेगी। एंड जो सामने साइड होता है एक्चुअली जो जिसको लाइट चाहिए होती है लड़की लोग को मेकअप के लिए, वो भी चीज होती है सेम, ये देख सकते हैं आप, इधर मिरर दिया है वो सामने, वैसे ही ड्राइवर साइड पे भी दिया है लाइट के लिए ऐसा। एंड इसका जो स्टीयरिंग है वो आपको जूनियर मारुति 800 की याद दिला देगा ऐसा है। इसका ड्राइव मोड सेलेक्ट करना पड़ता है तो यहाँ से एक बटन है स्टीयरिंग साइड में, प्रेस करो सर स्पोर्ट्स इको एंड नॉर्मल, तो आपको इको पे रखेंगे तो भाई गाड़ी की स्पीड उतना मिलेगी, स्पोर्ट पे 339 एंड इको पे 349 चार्जिंग स्पीड यहाँ पे दिखाती है किलोमीटर्स। आपको मोड्स मिलते हैं इसमें अलग अलग जो देख सकते हैं, रेनी मोड, ओपन कैफे, वॉर्म पीस, साउंड ऑफ नेचर, इसमें साउंड मिलते हैं सराउंडेड जो साउंड होते हैं। इसके जो पीछे भी इसको पावर विंडो मिल जाती है, जो आप गाड़ी का एसी भी देख सकते हैं। ये 70 लाख में बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल है किया की तरफ से, 70 लाख में आप देख सकते हैं। इधर अंदर साइड आप जो सामान रखेंगे वो हिलेगा भी नहीं, बस इसमें थोड़ा सा जो है कि गाड़ी थोड़ी ज़्यादा महंगी है, चार्जिंग पॉइंट जो होते हैं सॉकेट्स वगैरह। एंड यहाँ पे सीट वेंटिलेशन बटन भी यहाँ पे देते हैं, ये सीट एंड वेंटिलेशन है, ये वेंटिलेशन है, ये स्टीयरिंग वेंटिलेशन भी आता है हाथ में जो गर्म होता है। जरा हम अभी देख सकते हैं ऑटो ब्रेक यानी पार्किंग कैमरा भी उसमें देना। आपको चार्जिंग पोर्ट्स भी मिलते हैं 70-40, ये आपको ऑटो ये मिलता है, आपको वायरलेस चार्जर इधर रख सकते हैं आप। अभी मेरे पास फोन नहीं है एक्चुअली वायरलेस वाला, इसलिए मैं आपको रख के नहीं दिखा रहा हूँ, बट इसमें वायरलेस चार्जिंग है एंड 30-25 मिनट्स में आपका फुल फोन 100% के चार्ज होगा। नीचे साइड उसको चार्जिंग पॉइंट दिए हुए, इधर आप आपका कुछ भी मटेरियल ले सकते हैं, सामान वगैरह कुछ भी जो होगा, बैग वगैरह लगेज वगैरह। जो सबसे फाइनली मेन चीज़ आती है, आप ड्राइवर साइड बैठ के एकदम सुकून से आराम से गाड़ी चला सकते हो। इसका स्टीयरिंग माशाल्लाह, इसको आप वन फिंगर से भी कंट्रोल कर सकते हो, जो आपकी मिडल फिंगर है उससे भी। आपको इसका साउंड इफेक्ट दिखाता हूँ एक बार, इसमें एक चीज डिफरेंट है बिल्कुल, इसका जो साउंड है ना वो माशाल्लाह भाई बहुत सही है साउंड। आपको जो दिखाता हूँ मैं, आप सेल्टोस में देखे होंगे कि लेफ्ट साइड में देता है बटन वॉल्यूम अप का एंड चैनल चेंज का, वॉल्यूम अप का एंड चैनल चेंज का। एंड इसमें राइट साइड में वॉल्यूम अप, चैनल चेंज एंड मोड बटन दिया होता है। और इसका आपको ये भी मिलता है कि इंटीरियर डिजाइन, ओपन दिस सनरूफ, ओपनिंग द सनरूफ, वॉइस कमांड के साथ मिलता है आपको। वापिस बोलता हूँ, क्लोज दिस सनरूफ, क्लोजिंग दिस सनरूफ, इसका वॉइस कमांड एकदम सही है सोनेट, सेल्टोस, सेंट कारेंस के मामले में। एंड जो आपको मेन चीज मैं तो बोलता हूँ, ड्राइव करते टाइम पे आपको जो फील चाहिए इसमें जो होता है, 1-1.5 लाख 19-20 लाख की गाड़ी में से उससे ज्यादा बेहतर आपको फील होगा इसमें, पेट्रोल की बचत होगी। मेरे हिसाब से ये फुल्ली लोडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल है किया की तरफ से, बट इसका थोड़ा जो प्राइस में है वो इंक्रीज ज़्यादा है, 70 लाख सभी अराउंड ईयर सभी कम भी हो सकता है, फिलहाल अभी 70 लाख से स्टार्ट है। एंड ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये वाइट कलर, ब्लैक, वाइट एंड ब्लैक में भी अवेलेबल है फिलहाल सेल्टोस। तो गाइस आपको मैं बाहर से भी दिखा देता हूँ ये गाड़ी का, ये हमारे ये जो सीट होती है, सीट मोड बटन है, आपको बिल्कुल नीचे हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
दिस सेंसर पोजीशन वन, ड्राइव पोजीशन आती है सर। मैंने आपको यहाँ पे भी देर सब इन्फॉर्मेशन ये भी दी होती है टायर की लेंथ की सौ वगैरह वगैरह। एंड इसके जो टायर मैकविल है वो कार्निवल के टाइप में ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि गाड़ी का जो टायर का दिया हुआ है वो टायर नंबर इधर दिया हुआ है 101W R119 55। इसका मतलब है आपकी गाड़ी 250 अबव जा सकती है, ज़्यादा भी जा सकती है 250 ये टायर के हिसाब से। एंड जो इसके हिसाब से जब इसका आपको लाइट वगैरह दिखा तो टोटली भाई का जो एनिमेशन है भाई वो लाइटिंग का बहुत मस्त है। देवल साइड का भी दिखा देता हूँ कि जो एक गाड़ी है ब्लैक वेरिएंट में भी आएंगी, मैं आपको ब्लैक पर कल दिखा दूंगा। तो गाइस अभी इतनी मेहनत की है तो सर एक सब्सक्राइब कर दो, लाइक सब्सक्राइब। अभी गाड़ी को हम निकालेंगे अभी बाहर। ऑटोमेटिक डोर लॉक भी होते हैं इसके, दो ही मिनट। आप देख सकते हैं इसका बोनट दरवाजा ओपन है तो ये गाड़ी आपकी चलेगी नहीं। ये बोनट बंद किया हमने, अब गाड़ी चलेगी। आपको उसके साथ 360 कैमरा भी मिलता है। आने दो,